बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बिहार के विभाजन के बाद राज्य की स्थापना हो गई, उसके बाद बिहार को जो आर्थिक क्षति हुई, तत्कालीन सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि बिहार को विशेष सहायता प्रदान की जाएगी, परंतु उस सरकार ने नहीं दिया। 2004 में जब यूपीए की सरकार आई और 2005 में नीतीश जी ने भारत सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की, उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने, जो यूपीए की सरकार थी, उसने रघुराम राजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उसको यह रेफरेंस दिया कि आर्थिक रूप से जो राज्य पिछड़े हुए हैं उनको किस तरह से पुराने मानकों को हटाकर नए मानक के आलोक में उनको विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें आर्थिक सहायता देने का कि क्या रूपरेखा होगी, यही उनके सामने में एक प्रश्न था। उसके उत्तर में यूपीए सरकार के अंतिम दिनों में, जब यूपीए 2 की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का टर्म पूरा हो रहा था, चुनाव होने वाला था, उससे पहले समिति ने रिपोर्ट सबमिट किया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस सरकार के समय में उस पर कोई अमल नहीं हो सका। बाद की नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन सारी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कई बार यह मांग की गई, डेलीगेशन भी जाके मिला, लेकिन भाजपा नीत मोदी सरकार के कान पर कभी जूई नहीं लगी। अभी हाल में लोकसभा चुनाव के बाद जब नरेंद्र मोदी जी को बहुमत का आंकड़ा नहीं पहुंचा और उन्हें नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी के बैसाखी की आवश्यकता हुई, तब लोगों को, ये बिहार के लोगों को यह उम्मीद जगी थी कि शायद अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। परंतु पुनः भारत सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया, यह कहते हुए यह मानकों पर खरा नहीं उतरता है। जबकि रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट है, उसने दिया है, समिति ने यूपीए सरकार 2 के अंतिम दिन समिति ने धन देने के लिए एक नई प्रणाली सुझाई थी, पूर्व के मापदंडों को समाप्त कर देने, देश के 28 राज्यों को 3 श्रेणियों में, यथा सबसे कम विकसित, कम विकसित और अपेक्षाकृत विकसित राज्यों की श्रेणियों में बांटने का सुझाव दिया। समिति ने धन देने के लिए एक नई प्रणाली सुझाई थी जो बहुआयामी सूचकांक प्रणाली पर आधारित है। इन्हीं सूचकांक के आधार पर ही राज्यों को उपरोक्त 3 श्रेणियों में बांटा गया था। वह सूचकांक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा मापी गई प्रति व्यक्ति खपत और गरीबी अनुपात जैसे मापदंडों पर आधारित था। समिति ने इस सूचकांक पर जिन राज्यों के अंक 0.0 से अधिक हों
उन्हें सबसे कम विकसित, 0.6 से कम परंतु 0.4 से ज्यादा अंक वाले राज्यों को कम विकसित और 0.4 से कम अंक वाले राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक विकसित वर्ग में डालने की सिफारिश की थी। परंतु आज तक केंद्र की सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय किया है कि हम इस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठाएंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने पिछले दिनों संसद में इस मुद्दे को भी उठाने का काम किया था। हम पुनः आज अपने इस वचन को दोहराते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को छेड़ेगी। उसके तहत 13-14 अगस्त को हम प्रत्येक प्रखंड के मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन करने जा रहे हैं। इसी क्रम में फिर आगे जिला का होगा, फिर राज्य का होगा और कांग्रेस पार्टी का यह आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता है। हम साथ साथ आपके माध्यम से बिहार के सभी राजनीतिक दलों का यह आह्वान करते हैं कि राजनीति को छोड़कर बिहार के विकास के सवाल पर वो एकजुट होकर इस दिशा में आंदोलन करने का काम करें ताकि हम केंद्र की सरकार को बाध्य कर सकें कि बिहार को विशेष का राज्य का दर्जा मिले। इन्हीं बातों के तहत आज यह